हमारे देश में डायबिटीज एक आम समस्या बन चुकी है। लगभग 8 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं और विशेष चिंता की बात यह है कि अनुमान है इन 8 करोड़ में से 50% लोगों का डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से कमोरबिडिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, आंखें खराब होना, पैर में नसूर होना इत्यादि। शायद इसी वजह से डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा गया है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य मलिक और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। 14 नवंबर हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है और हर साल इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन यानी कि IDF इसके इर्द गिर्द एक नई थीम लेकर आती है, जिससे डायबिटीज मैनेजमेंट के प्रति जागरूकता बढ़े। इस साल IDF का थीम है एक्सेस टू डायबिटीज केयर, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लेकर आए हैं खास अपने दर्शकों के लिए #कुछ मीठा ना हो जाए एक वीडियो सीरीज, जिसमें हमारे सहयोगी हैं रोश डायबिटीज केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो विश्व के श्रेष्ठ डायबिटीज केयर कंपनी में से एक है। और हमारा मकसद है डायबिटीज से पीड़ित लाखों लोगों को डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में सही जानकारी देकर उनके डायबिटीज केयर को बेहतर बनाने में मदद करना। कुछ मीठा ना हो जाए का ये दूसरा एपिसोड है, जहां हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, जो भारत के जाने माने डायबिटीज स्पेशलिस्ट में से एक हैं, और आज वो हमको बताएंगे कि हम कैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, हमारी ऑडियंस को सबसे पहले आप ये बताइए कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होता क्या है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की डेफिनेशन दी गई है सभी स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ने, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन और RSSDI इंडिया। इन सभी गाइडलाइंस के हिसाब से फास्टिंग की शुगर अगर लेस देन 100 है तो वो नॉर्मल होता है। 100 से 125 की जो रेंज होती है फास्टिंग की, उसे कहा जाता है प्री डायबिटीज। और कोई भी फास्टिंग रीडिंग अगर मोर देन 125 है तो वो डायबिटीज की कैटेगरी में कही जाती है। जहां तक पोस्ट मील की रीडिंग्स का सवाल है, एनीथिंग लेस देन 140 इज नॉर्मल। 140 से 180 के जो मीट में रेंज होती है वो होती है प्री डायबिटीज, और एनी पोस्ट मील रीडिंग विच इज मोर देन 180 वो होता है फ्रैंक डायबिटीज। तो इसको हम टारगेट रेंज में कैसे रख सकते हैं? देखिए, शुगर्स को टारगेट रेंज में रखने के लिए सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मॉनिटरिंग द शुगर्स। नाउ मॉनिटरिंग ऑफ द शुगर्स कैन बी डन इन द लैब और ऑल्सो इन द ग्लूकोमीटर, ओके। लेकिन मॉनिटरिंग करने के साथ साथ हमें ये जानना जरूरी है कि मॉनिटरिंग के साथ कंट्रोल अगर हमको शुगर का टाइट रखना है तो हमें हमारे जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनके साथ रेगुलर फॉलोअप रखना है, और रेगुलर फॉलोअप रखने के साथ जो भी हमारी मॉनिटर्ड रीडिंग्स हैं वो डॉक्टर को कन्वे करना है। उसी के साथ साथ डॉक्टर का सजेस्ट किया हुआ ट्रीटमेंट के साथ हमें डाइट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इन सभी की सहायता लेनी है सो दैट हम हमारी शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल में रख सके। अब इसे एक क्लासिकल टर्म में समझाया जाए तो उसे कहा जाता है ग्लूकोविजिलेंस। जी, और डॉक्टर साहब मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि हम ग्लूकोविजिलेंस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप हमारी ऑडियंस को इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ग्लूकोविजिलेंस इज अ न्यू कांसेप्ट, स्पेशली कोविड के बाद लॉट ऑफ अथॉरिटीज आर प्रमोटिंग ग्लूकोविजिलेंस। ग्लूकोविजिलेंस का एग्जैक्ट मतलब क्या है? हमें शुगर को मॉनिटर करना है और मॉनिटर करने के साथ साथ हमें शुगर को कंट्रोल में भी रखना है। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ग्लूकोविजिलेंस। नाउ मॉनिटरिंग, शुगर मॉनिटरिंग के लिए हमें बहुत जरूरी है ग्लूकोमीटर अगर हम घर पे रखते हैं तो उसका सही तरीके से यूज किया जाए। अभी बहुत बार पेशेंट्स के मन में कंफ्यूजन होता है कि उन्हें लैब की रीडिंग्स और ग्लूकोमीटर की रीडिंग्स में कैसे वो डिफरेंशिएट करें, तो मैं नॉर्मली मेरे पेशेंट्स को ये सजेशन देता हूँ कि आप स्पेशली कोविड जैसे पैंडेमिक में जो पेशेंट्स को डॉक्टर्स का एक्सेस नहीं था, इट वॉज नॉट रियली पॉसिबल फॉर देम टू मीट देयर डॉक्टर्स, ग्लूकोमीटर हैज प्लेड वंडर्स। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट आर्मामेंटेरियम विच पेशेंट्स टू यूज। घर बैठे बैठे पेशेंट्स अपनी शुगर मॉनिटर कर सकते थे। अब मॉनिटरिंग कितनी फ्रीक्वेंटली करी जानी चाहिए? जहां तक उन पेशेंट्स का सवाल है जो सिर्फ डायबिटीज के लिए टैबलेट्स ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स की मॉनिटरिंग शुगर की मॉनिटरिंग में भी ट्वाइस अ वीक और वंस इन ट्वाइस इन 15 डेज की जा सकती है। द शुगर रीडिंग्स आर वेरी वेल कंट्रोल्ड एंड द फ्रीक्वेंसी कैन बी रिड्यूस्ड। बट बहुत इंपॉर्टेंट ग्लूकोमीटर का फंक्शन होता है पेशेंट्स इंसुलिन पर होते हैं,
तो वो पेशेंट्स जो टाइप 1 डायबिटीज के हैं उन्हें तो सिर्फ इंसुलिन ही दी जा सकती है, और वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स जिनकी शुगर सिर्फ टैबलेट से कंट्रोल में नहीं है और ये पेशेंट्स इंसुलिन पे अगर हैं तो इन्हें ग्लूकोमीटर की एक बहुत सही तरीके से सहायता लेना जरूरी होता है। तो नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप शुगर की मॉनिटरिंग दिन में प्री मील्स पोस्ट मील करें, प्री ब्रेकफास्ट पोस्ट ब्रेकफास्ट, प्री लंच पोस्ट लंच एंड प्री डिनर पोस्ट डिनर। एक बार आपकी ग्लूकोमीटर की रीडिंग्स आपने सेट कर ली तो आप क्या कर सकते हैं, आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन रीडिंग्स का लेखा जोखा जो कि आप एक डायरी में मेंटेन कर करते हैं वो आप अपने डॉक्टर को बताइए। अब ये ग्लूकोमीटर की जो आप रीडिंग्स आप डॉक्टर को बनाते हैं उसके साथ साथ आपको उनको ये भी बताना है कि इसके साथ आपने कितनी फिजिकल एक्टिविटी की, आपने डाइट में क्या खाया क्या नहीं खाया। कई बार क्या हो जाता है ये काम करना थोड़ा टीडियस हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ओके, बिकॉज इतना सब डेटा मेंटेन करना। तो आजकल के जो न्यू जनरेशन ग्लूकोमीटर्स आ गए हैं वो ब्लूटूथ एनेबल्ड होते हैं, तो उससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ऐसे ग्लूकोमीटर से शुगर रीडिंग चेक करने के बाद वो इमीडिएटली ऐप में ट्रांसफर हो जाती है। सो इन अ वे व्हाट कैन हैपन इज वो फिजिकल लॉग लिखने की जगह एक डिजिटल लॉग ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के पास इमीडिएटली वो रीडिंग्स पहुंचा सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्लूकोविजिलेंस दैट यू मॉनिटर योर शुगर्स प्रॉपरली एंड हैव अ टाइट कंट्रोल ऑफ शुगर्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग आपका जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है उसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले भी बताया था डाइट एक्सरसाइज एंड वॉकिंग को किसी भी तरह से नेग्लेक्ट न करते हुए उसको लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बना लेना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर साहब आपने अभी ग्लूकोमीटर के बारे में हमको बताया, तो क्या आप हमारी ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि वो मार्केट में कौन सा ग्लूकोमीटर ले? गुड क्वेश्चन। प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन हर डायबिटोलॉजिस्ट को दिन में 3 से 4 बार कम से कम पूछा जाता है। सो व्हाट आई टेल माय पेशेंट इज 3 थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द एक्यूरेसी, सेकंड इज इफ एट ऑल इट्स ब्लूटूथ एनेबल्ड, एंड थर्ड इज द एक्सपायरी। एक्यूरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये जानना जरूरी है कि आपके ग्लूकोमीटर कितना एक्यूरेट है। ओके, आपकी ग्लूकोमीटर की एक्यूरेसी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द की फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग कि आपको कौन सा ग्लूकोमीटर खरीदना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आज के जमाने में हम ब्लूटूथ एनेबल्ड ग्लूकोमीटर्स ले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ऑटोमेटिकली आपके रीडिंग्स को एक डिजिटल लॉग में कन्वर्ट करके ऐप में ट्रांसफर कर देता है। सो आपको डॉक्टर के साथ शेयर करना काफी आसान हो जाता है व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्लूकोमीटर के स्ट्रिप्स की एक्सपायरी उस पर क्लियरली लिखी हो, बिकॉज बहुत बार क्या हो जाता है पेशेंट्स अपना बॉक्स खोल लेते हैं, अपने ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स यूज करना चालू कर देते हैं और भूल जाते हैं, और कई बार एक्सपायर स्ट्रिप्स होने की वजह से रीडिंग्स में एरर्स आने लगते हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है अननेसेसरी पेशेंट्स को अपने ट्रीटमेंट के फॉर्म में, ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन के फॉर्म में। सो ये 3 चीज को ध्यान रखें। उसके साथ 2 छोटे टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये कि जब भी आपकी शुगर की मॉनिटरिंग करें सो आपको हैंड्स वॉश करना है, स्पिरिट जहां लगाएंगे तो उसको ड्राई कर लेना है, और तीसरा आपका ग्लूकोमीटर जहां ब्लड एक्चुअली जाने वाला है वो भी पूरी तरीके से क्लीन हो। बेसिकली इन सभी चीजों को ध्यान में रखने के बाद मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनके साथ प्राइमरीली कंसल्ट करके फिर ही एक फाइनल डिसीजन लीजिए आप। एकदम सही बात है कि आखिरकार हर पेशेंट को एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। आपको एक ग्लूकोमीटर चाहिए जो आपको एक्यूरेट रीडिंग दे, और उसके लिए आपको ISO 15197 2013 सर्टिफाइड ग्लूकोमीटर लेना चाहिए। इसकी जानकारी आपको ग्लूकोमीटर के बॉक्स पे दिखाई देगी। तो डॉक्टर साहब ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब की दी हुई ये टिप्स आपके काम आएंगी, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, ग्लूको विजिलेंट रहिए, और ध्यान रखिए कुछ मीठा ना हो जाए। धन्यवाद।